जैसे कि मैंने बताया ही है कि बकरा ईद में तो सिर्फ दावत ही दावत होती है, तो आज तो है बासी ईद। ईद का व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैंने ईद कैसे सेलिब्रेट की, और आज का दिन है बासी ईद। बासी ईद के लंच में मेरे घर पे दावत थी सबकी, तो मतलब मेरे ससुराल वालों की थी, मायके वाले नहीं थे। और ये सुबह हो गई है और बकरा ईद के बाद तो नाश्ते में सिर्फ यही चलता रहता है, कलेजी भेजा। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ भेजा फ्राई, और आटा सान रही हूँ, चाय मेरी बन रही है, दूध गर्म हो गया है। और हमारे यहाँ पे बासी ईद को भी हमारी कुर्बानी हुई थी बकरे की। तो कुर्बानी के बाद सबसे पहले तो कलेजी और फेफड़ा घर पर आ जाता है, उसके बाद ही मटन आता है। तो हम उसे पीसेस कर रहे हैं और उसे पकाने जा रहे हैं, पकाने मतलब बॉईल करने जा रहे हैं, बॉईल करके हम रख लेंगे। और ये मेरा रूम रेडी हो गया है मेहमानों के लिए। ये वॉल देख कर मुझे बार बार दिल करता है कि मैं कब इसका कलर चेंज करूं। और ये देखिए अब मेरा फ्रेम माशाल्लाह से दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था लाइट की वजह से, मैंने लाइट बंद कर लिया है तो अब बराबर दिख रहा है। और हमारी कुर्बानी तो हमारे शॉप पर ही होती है, और उसके बाद घर पर आता है, पहले कलेजी फेफड़ा आता है, उसके बाद मटन आता है। और आज तो मटन और बाकी मतलब पकने के लिए भी दे दिए थे, हमने बाहर से खाना बनवाए क्योंकि काफ़ी लोग हो जाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा खाना बनकर आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं वैरायटी बनाते हैं बकरा ईद में, यही मटन ग्रेवी और राइस रहता है या दाल गोश रहता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती है। हमने हलवा भी बनाया हुआ है, और ये अबू बकर हुसैन भी आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अबू को मैं पीछे पीछे चल रही हूँ कि एक वीडियो दे दो, तो अभी बड़ा शर्मा रहे हैं। तो फाइनली मेरी सारी नंदे आ चुकी हैं, मतलब मेरी सिर्फ एक ननंद नहीं आई थी, बाकी मेरी पांचों नंदे आई हुई हैं। और ये देखिए ये भी मेरी ननंद की बेटी है, और माशाल्लाह ईद में तो काफ़ी तैयार होकर आई है। और ये इनाया है, इनाया रात में ही आ गई थी, इसके लिए अभी वो सोकर उठी है तो फ्रेश नहीं फील कर रही है। और ये अबू बकर हुसैन है, और ये हमारे मतलब दावत की तैयारी हो चुकी है। ये माशाल्लाह हमारा हलवा देखो कितना टेस्टी दिख रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। और ये हमारा हो गया है दाल गोश, और ये है हमारी राइस। और काफ़ी मेहमान आए थे, काफ़ी लोग आए थे, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत काम था। और ये अबू बकर हुसैन बहुत क्यूटली दोनों अपने हाथ से खा रहे हैं, और इतने अच्छे से माशाल्लाह डिसेंसी से खा रहे हैं ना कि ट्राई कर रहे हैं कि एक भी चावल गिरे नहीं, पर वो तो पॉसिबल नहीं है, पर वो लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और हमने खाना सबको सर्व किया, और एक शिफ्ट के बाद दूसरा शिफ्ट इस तरीके से हमने सबको सर्व किया। खाना भी काफ़ी टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए ये है अलीना, मेरी कज़िन ननंद की बेटी है, और सारे लोग अब बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये है मेरी बुआ, और ये मेरी मम्मी है, मेरी मतलब मेरी सासू माँ है। और ये लोग गप्पे लड़ा रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया, मैंने कहा आप लोगों का एक वीडियो लेती हूँ, तो वो लोग बेचारे अलर्ट हो गए। और इस तरीके से सारे लोग खाना खा रहे हैं, बाकी लोग तो खाना खा रहे हैं, और बच्चा पार्टी हमारी मोबाइल देखने में बिज़ी है। और बच्चों का तो फिक्स काम होता है मोबाइल देखना, और इस तरीके से सब अपना अपना लेकर बैठे हुए हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो बच्चों को इतनी पसंद होती है ना, सब अपना अपना लेकर बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये लोग, पता है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सब हाय कर रहे हैं। और ये है इब्राहिम और इस्माइल, माशाल्लाह आज ये लोग भी ट्विंस बनकर आए हैं। ये लोग ट्विंस नहीं हैं पर बड़े क्यूट लग रहे हैं। और ये है अब्दुल अहद, ये भी मेरी कज़िन का बेटा है। और अब्दुल अहद इतना बिजी है मोबाइल देखने में कि वो देख ही नहीं रहा है। अब उसकी मम्मी मोबाइल लेकर मेरी तरफ कर देगी तब वो कैमरे की तरफ देखेगा, वरना वो देखने के लिए ही राजी नहीं था, ज़बरदस्ती उसको दिखाना पड़ा कि फेस इधर करो। चलो, अरे मेहमान आ गए यार। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन तुमने मोबाइल ही देख लिया। हाँ तो अभी नहीं देखूँ। नहीं नहीं ईद में भी नहीं गया ट्यूशन, और बासी ईद में भी दिल नहीं था उसका, मैंने ज़बरदस्ती उसे ट्यूशन छोड़कर आई हूँ। और ये देखिए ये मेरी बेटी, घर में बना है सारी चीज़ें लेकिन उनको खाना है बुलदाग, और बुलदाग मेरी बेटी को बहुत पसंद है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसका स्मेल भी नहीं पसंद है।
और ये बकरा ईद में जब तक गोश्त बनेगा तब तक ये लोग ऐसे ही कुछ अतरंगी, कभी समोसे खाते हैं, कभी बुलदाक खाते हैं, कभी मैगी खा, मैगी तो नहीं खाते हैं हालांकि वो क्योंकि बैन किया हुआ है, बाकी चीज़ें खा लेते हैं, पर ये भी नुकसान ही करता है, पर मानते ही नहीं है बच्चे और भूखे बैठे रहते हैं। पता नहीं क्यों उन लोगों को नॉनवेज खाने से इतना एतराज़ है। और बुलदाक इस तरीके से इसमें दो कुछ पैकेट दिया हुआ रहता है, वो बनाती भी खुद ही है क्योंकि उसको पता है मेरी मम्मी बनाएगी नहीं और डांटेगी, जितना बनाएगी उतना डांटेगी, तो खुद ही बनाती भी रहती है और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती है उसमें। मुझे तो इसका स्मेल भी नहीं पसंद आता है, पता नहीं बच्चे कैसे खाते हैं। और आज इसने इसमें चीज़ भी डाला था, बोल रही थी बहुत टेस्टी लग रहा है, पर मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया उसे, मैंने आज तक इसे टेस्ट नहीं किया है कभी भी क्योंकि मुझे उसका स्मेल ही नहीं पसंद है। ईद के लिए हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दिन छुट्टी रहती है, इसके लिए इतना प्रॉब्लम हो जाती है, दावतों पे जाना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे कभी स्कूल जाते हैं तो कभी ट्यूशन जाते हैं, कभी दोनों जगह नहीं जाते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इन लोगों के मतलब एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट मंथ से तो एग्ज़ाम्स भी है और टीचर लोग नाराज़ होते हैं वो अलग, लेकिन क्या करें अभी ईद है तो सेलिब्रेट तो करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। आज तो मैंने ज़बरदस्ती उमर को भेज दी, वैसे भी उमर का थोड़ा पढ़ाई में दिल कम ही लगता है, थोड़ा पुश करना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर तो लेता है लेकिन बिना पुश के वो नहीं करता है, और अरिबा अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेती है माशाल्लाह। उमर तो फिर भी खा लेता है, अरिबा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत मैं डांटती हूँ तब जाके वो खाती है, तो भी पीसेस नहीं खाती है, खाली ग्रेवी खाती है। और फाइनली उसका बुलदाक हो गया रेडी और हमारे गेस्ट का भी जाने का वक्त हो गया है, हमारा डिनर का भी चाची के यहाँ पे मेरी मतलब चाची सास से मेरी उनके वहाँ पे दावत था, तो बकराईद में तो दावतों का ही सिलसिला चलता रहता है। और ये अब्दुल अहद का शूज़ इतना प्यारा लग रहा था, और ये देखिए सारे लोग रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं और इन सब की दावत चाची के इधर ही है, तो अब हम सबसे मिल लेते हैं, सबसे सलाम दुआ कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह चाची के घर पर मिलेंगे। वहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मतलब किसी को जमे नहीं जमे, मतलब किसी को पसंद आता है नहीं आता है, तो इसके लिए मैं हर जगह पे व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जो कंफर्टेबल रहता है मैं वहीं पे करती हूँ। वैसे तो वो लोग भी एतराज़ नहीं करेंगे पर मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ। और ये देखिए इब्राहिम कितना ज़िद कर रहा है, उसने झगड़ा कर लिया है अबू बकर हुसैन से और दूसरे बच्चों से, और वो ज़िद कर रहा है कि उसको मारना है, और मैं उसको बोल रही हूँ मैं तुम्हारा ऐसे ही ब्लॉग डालूँगी। और ये हमारा साफ़ सफाई भी हो गया है और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए चाची के घर, और माशाल्लाह चाची ने तो खुद ही घर पर ही खाना बनाया था और इतना टेस्टी ग्रेवी बनाया था, पता नहीं कैसे चाची ने इतने लोगों का खाना घर पर ही बनाया, और ये बहुत टेस्टी था। और फिर वहाँ से मैंने मेहंदी का कोन भी ले लिया था कि मैं मेरी ननंद की बेटी से लगवा लूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।